तो वी विल स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स पड़े हुए हैं वो, एक कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मोल्स ऑफ गैसेस जो भी हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है, चलो हमने ली चार्ट लिस्ट. अब सारा जो भी हम आंसर देने वाले हैं किस बेसिस पे देने वाले हैं, ली चार्ट लिस्ट प्रिंसिपल पे. और इसकी ये क्या था, हमने देख लिया था, ये क्या बोलता है, क्या जो भी चेंज हम सिस्टम में कराते हैं वो क्या होता है, वो अपोज होता है. अगर हम इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज कराएंगे तो इक्विलिब्रियम उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगी. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पे लिख ली थी. बेसिकली बस ये अपोज करेगी. अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि वो प्रेशर कम करे. अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि वॉल्यूम कम करे. कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगी. तो देखते हैं वो क्या चीज़ है. तो पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या फर्क पड़ने वाला है. चलो मान लो एक रिएक्शन है ए गैशियस गिविंग बी गैशियस. ठीक है, इसका के कैसे लिखेंगे. बी मान लो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रही हूँ, बी बाय ए. ठीक है, अब हमें क्या पता है कि हमारा इक्विलिब्रियम पे के तो कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, मान लो इक्विलिब्रियम चल रहा है रिएक्शन का, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चल रहा है, ए बी है बी बी है, और मैंने बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मैंने बी डाल दिया ऊपर से, बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी. तो के की कंसंट्रेशन रखने के लिए, के को कांस्टेंट रखने के लिए ए को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा. ये चीज समझ रहे हो, क्योंकि ऐसे देखो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, मैंने बी की वैल्यू बढ़ाई तो के को अगर कांस्टेंट रखना होगा तो ए को भी बढ़ना पड़ेगा, जिससे के की वैल्यू सेम रहे. ठीक है, वरना सिर्फ बी बढ़ाया तो के बढ़ जाएगा. अब मुझे ए बढ़ाना पड़ेगा कि के की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहे, इस वजह से. तो ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए. लेकिन ये जो आता है हमारा किससे आता है, ली चार्ट लिस्ट से आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को करने के. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में वन देखूँ, क्या मैं कंसंट्रेशन कैसे बदल सकती हूँ. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करा है, इंक्रीज किया है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है, तो यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब वो अपोज करता है सारा चेंज, यानी कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए खुद से. मैंने तो चेंज कर दी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा ली चार्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्या वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना चाहेगा. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज करेगा, किस डायरेक्शन में जाके, बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो वो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हमें ऐसे ही सारी अभी इफेक्ट्स देखने हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यही चीज थी हमने जो देखी थी, कहाँ तक, टिल इक्विलिब्रियम तक. इक्विलिब्रियम तक चले गए, उसके बाद फिर से दोनों का रेट सेम हो जाएगा. तो हमने क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी हमने, तो क्या हुआ, इंटर्न प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला. और हम यही पढ़ रहे थे यहाँ पे, हमने जब ये वाली एक हमने हमें पी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी थी तो किसकी मिल रही थी, ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी. यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की इंक्रीज करी तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि प्रोडक्ट की भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसे क्या करना था, रिएक्टेंट की कम करनी थी, रिएक्टेंट कम करने के लिए उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट इसका देखते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करें तो अब मुझे इफेक्ट बता दो क्या होगा फाइनली. कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज करी है तो उसे कंसंट्रेशन क्या करनी होगी, रिएक्टेंट की इंक्रीज करनी होगी. अब उसे इंक्रीज करनी है तो रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. मैं ऐसे एरोज में दिखा दूंगी, फॉरवर्ड का मतलब ये, फॉरवर्ड इसका मतलब ये. तो रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करूँ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज. ठीक है, ये चीज समझ आ रही है. yes. चलो ठीक है. थ्री, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, इसका इफेक्ट बताओ क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी मुझे बताओ.
प्रोडक्ट को डिक्रीज करना चाहेगा, हमने इंक्रीज किया रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, बैकवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी और बैकवर्ड में जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन टर्न क्या हो जाएगी, इंक्रीज फूड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड तो इफेक्ट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, अब वो प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहेगा तो फॉरवर्ड में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट तो फॉरवर्ड, एक सेकेंड, फॉरवर्ड में जाएगी तो प्रोडक्ट की डिक्रीज करी है मैंने तो प्रोडक्ट को वो इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है तो एक्चुअली में आर की डिक्रीज होगी, ये होगा। चलो तो इतना हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने चार कंडीशंस पढ़ी, एक कंडीशन ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसमें से फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, कौन सी कंडीशन है फेवरेबल फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, कहाँ जा रही है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक फोर्थ में जा रही है और एक किस में जा रही है, थर्ड वन में, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में क्या जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो ये वाली क्या है फेवरेबल कंडीशंस है, फॉरवर्ड कंडीशंस वन एंड फोर। और इनमें से भी सबसे बेटर कौन है, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, प्रैक्टिकली हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं हमें उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट प्रेफर करूंगी, फोर्थ वाला उसमें प्रेफर करूंगी, फोर्थ वाला, तो हम लिख सकते हैं फोर इज बेटर देन वन, ये हम एक्चुअली में यूज करते हैं। पूरी रिएक्शन अगर हमें खत्म करानी हो हम क्या करेंगे, उसमें से जैसे प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट निकाल देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती रहेगी, और प्रोडक्ट निकालेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड चलते रहेंगे, तो इवेंचुअली ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा करने का कोई सेंस नहीं है, क्या हम क्या करें रिएक्टेंट को क्या करते हैं इंक्रीज कर दें, उससे हमारा रिएक्टेंट काफी वेस्ट रहेगा ही एट द एंड। हमें क्या करना है रिएक्टेंट अपना पूरा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, इफेक्टिव अगर रिएक्शन हमें चाहिए इंडस्ट्रियल बेसिस पे जैसे कराते हैं, तो फोर बेटर है वन से, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर चलो एक नोट लिख लो इसमें, क्या अगर मैं सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज करूं तो उसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो केपी केसी में हम लेते ही नहीं है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, देयर इज नो इफेक्ट। एग्जाम्पल, सी सॉलिड है प्लस सी ओ टू गैशियस इज गिविंग टू सी ओ गैशियस, इसके लिए केसी लिखेंगे सी ओ का स्क्वायर बाय सी ओ टू का स्क्वायर, तो कार्बन सॉलिड तो आ ही नहीं रहा, के पी लिखेंगे प्रेशर ऑफ सी ओ का स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ सी ओ टू, तो उसमें भी कोई प्रेशर कार्बन सॉलिड का नहीं आ रहा, तो सी की हम कंसंट्रेशन बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर, ठीक है। तो अब इसी में देख लेते हैं, अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू को क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं, तो रिएक्शन मेरी किस डायरेक्शन में जाएगी बताओ, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में जाएगी। कुछ लोग बैकवर्ड बोल रहे थे क्या, फॉरवर्ड में जाएगी, क्यों, हमने रिएक्टेंट की इंक्रीज करी है ना, तो रिएक्टेंट की इंक्रीज करी तो रिएक्टेंट की कम करना चाहेगा वो, तो वो फॉरवर्ड में जाएगा कम करने के लिए। अगर मैं सीओ की इंक्रीज करूं तो क्या होगा बताओ, यस बैकवर्ड, अब बैकवर्ड में जाएगी क्योंकि सीओ इज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इंक्रीज करी है तो कम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन कराएगा, रिएक्टेंट की इंक्रीज करेगा, ठीक है। कार्बन सॉलिड की इंक्रीज करूं कंसंट्रेशन तो नो इफेक्ट, ठीक है, सॉलिड है तो उसका नो इफेक्ट रहेगा। चलो अभी हमने पहला किसका देखा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफी। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, तो पहला केस देख लेते हैं, अभी किस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर का इफेक्ट, डेलेच हमारे डेलेच की वैल्यू पे, तो अगर डेलेच नॉट क्या है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारी, ठीक है। इसमें एक तो हम फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में, लॉग के इज इक्वल टू डेलेच नॉट बाय
2.303 R माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 RT. ठीक है, अगर इसे यूज करके बताएंगे. अब मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कैसे के पे क्या इफेक्ट रहेगा, ये बताओ. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो के क्या होगा? के की वैल्यू कम होगी. एक बार सही से देखो. ओके, इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. के इंक्रीज होगा. ओके, के भी इंक्रीज होगा इसमें. सॉरी, क्या इंक्रीज होगा? और के इंक्रीज करेंगे तो हम के इंक्रीज होना चाहिए. हाँ, के इंक्रीज मैंने कर दिया ना, के लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो के इंक्रीज हो रहा है. कुछ कैसे देखो, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज. और यानी कि अब इसमें से यानी अब लॉग के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज. तो इस वजह से के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. एक और रीजन क्या है, बिना क्योंकि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, यानी कि उसे टेम्परेचर चाहिए होने के लिए और हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यानी कि अब वो बहुत जल्दी अपना क्या है, उसका के बढ़ जाएगा, यानी कि मतलब रिएक्शन अब अच्छे से होने वाली है. ठीक है, अगर मैं टी डिक्रीज करूँ तो के पे क्या असर दिखेगा हमें? मैम के भी डिक्रीज होगा और अब रिएक्शन ढंग से नहीं होगी क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट काफी बढ़ गया है. हाँ, मतलब ठीक है, देखो इसमें बस हमें टेम्परेचर पे क्या, अभी हम के देख रहे हैं, अभी तक हमने फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन बता रहे थे, लेकिन हमारे के पे कोई असर नहीं था कंसंट्रेशन का. के हमारा बिल्कुल सेम था. टेम्परेचर का असर किस पे पड़ता है? के पे पड़ता है. तो यहाँ पे हम के से रिलेट करेंगे टेम्परेचर को. फॉरवर्ड बैकवर्ड मत बताओ, यहाँ पे हम के बताएंगे कि हमारा के चेंज हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, तो टेम्परेचर से और हम इस इक्वेशन को देख के बता देंगे. तो यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो के घट रहा है. ठीक है, ये कब है? ये डेल एच नॉट ग्रेटर देन जीरो की बात है. अगर मैं बात करूं डेल एच नॉट लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, अब मुझे बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के देखो डेल एच ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो था तो यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो यानी कि इंक्रीज ही क्या बोलो, इंक्रीज हो रहा है मैम, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. इस वैल्यू पे ध्यान दो, डेल एच नॉट इज लेस देन जीरो, यानी कि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ओवरऑल क्या हो जाएगा फिर, ये पॉजिटिव बीच का पार्ट. तो अगर ये पॉजिटिव हो गया यानी कि अभी वैल्यू उसमें ऐड हो रही है, तो के की तो ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी, ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब अगर ये कम होगी तो लॉग के भी कम होगा. yes. मान लो डेल एच नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स इसके लिए. ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देती हूँ, 2.303 RT 2.303 R, तो लॉग के क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट by 2.303 R plus x upon 2.303 RT. अब बताओ अगर अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरी इस k पे क्या असर पड़ेगा? Yes ma'am, अब डिक्रीज हो जाएगा ma'am. डिक्रीज हो रहा है ना? Yes ma'am. डिक्रीज की वैल्यूज देने का फायदा ये है. ठीक है, जैसा हम ग्राफ में देख रहे थे स्लोप पे अपना, वही इफेक्ट हम यहाँ पे टेम्परेचर पे भी देखेंगे. ठीक है, जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे यहाँ पे तो वैल्यू नेगेटिव में ही रहेगी क्योंकि डेलिश पॉजिटिव में ही है, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में डेलिश हमारा नेगेटिव में है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो अब मैं इसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मेरा के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो के विल इंक्रीज. बोलो मैम, के विल इंक्रीज. इंक्रीज ही होगा, उल्टा ही होगा. यस मैम. ठीक है, सेम रिएक्शन है, इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि डिक्रीज होने से इंक्रीज होगा. चलो ये ठीक है. अब देखो हम इससे ना एक फॉर्मूला भी बनता है. कैसा फॉर्मूला? मान लो टी वन पे क्या है, एक ही रिएक्शन है जिसका हम टी वन पे बोल रहे हैं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वन और टी टू पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टू. ठीक है, अब हम दोनों को पुट कर देते हैं, पीछे चलते हैं. लॉग के वन डेल एस नॉट बाई 2.303 आर
माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 आर टी वन, के वन के लिए टी वन, और एक इक्वेशन लिख लेती हूँ लॉग के टू इज इक्वल टू डेल एस बाई 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट बाई 2.303 आर टी टू। ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन क्या है टू, तो मैं टू माइनस वन कर देती हूँ। ठीक है, टू माइनस वन करूँगी तो लॉग क्या आएगा, लॉग के टू माइनस लॉग के वन। अच्छा, ये वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम है सेम रिएक्शन के लिए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि मैं के टू में से के वन माइनस कर रही हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसके आगे, तो मैं इसको पहले ही बाहर लिख लेती हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो के टू बाई के वन, डेल एच अपॉन 2.303 आर मैंने कॉमन निकाल लिया, और 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, ये बना हमारा फॉर्मूला। और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये कैसे आ रहे, समझ आ गया? चलो, तो ये फॉर्मूला है और ये याद रखना है। अब एक चीज़ देखो इसमें, जैसे अगर एक क्वेश्चन दूं मैं, टी वन इज 27 डिग्री सेल्सियस, टी टू इज 327 डिग्री सेल्सियस। टी वन के लिए के वन क्या दिया हुआ है मुझे 10^2, और के टू क्या दिया हुआ है 10^1। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो के क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है के, है ना। टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इस डाटा में से देख के बताना है, तो यानी कि के टू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा किस केस में हो रहा था, इस केस में डैलेज क्या था, हाँ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे भी उल्टा देखने को पता आ सकता है, पूछ सकते हैं क्या डाटा दे और हमें बताएं कि बताओ रिएक्शन का डैलेज कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, एक क्वेश्चन करना। ए इज गिविंग बी, temperature is increased from 227 degree celsius to 727 degree celsius and equilibrium constant becomes 10 times of initial equilibrium constant. Calculate del H. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैम? यही log k2 by k1, वही जो भी ये वाला लिखा है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं दो, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या दिए हुए हैं, रिलेशंस दिए हुए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, मान लो टी वन क्या है, टी वन इज 227 डिग्री सेल्सियस, टी टू इज 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इनिशियली मेरा के जो था वो के वन था, तो इसके लिए के क्या हो जाएगा, बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो 10 के वन हो जाएगा। इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूँ, आर की वैल्यू मुझे पता ही है क्या लेंगे, 8.314 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेल एच निकाल रहे हैं जो कि जूल्स में आता है। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये सब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करके भी देख लेते हैं। ये 227 डिग्री सेल्सियस, इसका होगा 500 केल्विन, और दिस इज इक्वल टू 1000 केल्विन। ठीक है, पुट कर लेते हैं लॉग के टू बाई के वन। के टू कितना है, के वन, 10 K1 इज इक्वल टू के टू। ठीक है, तो के वन मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पे। डेल एच मुझे निकालना है 2.303, आर की वैल्यू क्या बोला 8.314 लेंगे क्योंकि हम डेल एच की वैल्यू निकालने वाले हैं। टी वन कितना है 500, टी टू क्या है 1000, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा लॉग 10 विच इज इक्वल टू 1, और ये एज इट इज हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डेल एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, हम निकाल लेंगे। अगर मुझे कैलरी में निकालनी होती तो मैं आर की वैल्यू क्या रखती इसकी जगह, टू कैलरी वाली वैल्यू रख देती, उसमें टू कैलरी होती है आर के लिए। ठीक है, इतना ठीक है। फिर आगे चले नए इफेक्ट पे। हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कर लिया, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर कर लिया, अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और क्योंकि हम प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज होता है साथ में, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हम एक दोनों कह सकते हैं, इसमें सेम इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ये है मेरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर इसके अंदर, और ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया, ये मूवेबल पिस्टन है, तो अब यहाँ से मैं अपना प्रेशर क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। अब ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, बॉयल्स, अगर टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही है, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, 1/V पीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, तो यही है, अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, मैम बट इससे k की वैल्यू पे तो डिफरेंस नहीं आएगा। एक सेकेंड खुशबू, थोड़ा जोर से बोलो। मैम बट हम प्रेशर या वॉल्यूम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, बट k की के पे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क हम बोल भी नहीं रहे, हम किस पे बोल रहे हैं, क्या इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे है, मोल्स पे तो फर्क पड़ सकता है ना, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट्स के फॉरवर्ड बैकवर्ड पे तो हो सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फर्क हमने किससे निकाला, बस टेम्परेचर से निकाला, क्योंकि टेम्परेचर ही इफेक्ट करता है। जैसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड का निकाल रहे थे स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन से, या फिर कंसंट्रेशन ही क्या था, उसके बाद हम टेम्परेचर पे आए थे, अब हम प्रेशर वॉल्यूम का देखते हैं। ठीक है, तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड देन रिएक्शन will proceed in the direction where pressure decreases or moles of gas decreases. Moles decrease हो रहे तो pressure भी decrease हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल्स डिक्रीज होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज होगा उस कंपोनेंट का। ठीक है, इससे उसका पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे किसी का, मतलब अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया अपने सॉल्यूशन का, तो उसका ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मैं पिस्टन को डाउन मूव करूंगी, डाउन मूव करूंगी तो इस प्रेशर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, या मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो देखते हैं कैसे होगा। अगर मान लो क्या है, मेरे पास 2A gaseous से क्या बन रहा है, B gaseous बन रहा है। ठीक है, तो इसका 2 कितना दे रहा है, इसके 1 को मैंने क्या किया है, इसका डेलेंजी क्या है, नेगेटिव है, तो मोल्स ऑफ गैस किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड में मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, yes, ma'am. क्योंकि इधर 2 है यहाँ पे 1 है, अगर मुझे मोल्स इंक्रीज करने हुए तो मैं किस डायरेक्शन में करूंगी, यहाँ पे मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अभी देखो अभी पता चलेगा। आगे पहला मैंने इसमें क्या किया है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, और प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज्ड। ठीक है, तो मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है तो अब मेरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रेशर इंक्रीज किया है, ठीक है, तो वो प्रेशर कम करना चाहेगी, प्रेशर बैकवर्ड में जाएगी, नहीं वो फॉरवर्ड में जाएगी, मोल्स ऑफ गैस किसके डायरेक्शन में हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करूं, ए तो ये एक्स ए पी टोटल पे डिपेंड करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करूं तो ये भी एक्स बी पी टोटल पे डिपेंड करेंगे, पी टोटल तो सेम है दोनों के लिए, चेंज क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनके मोल्स पे डिपेंड करेगा, तो जिसका मोल्स कम होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, तो जब सिस्टम को पार्शियल प्रेशर कम करना होगा, अपना टोटल प्रेशर, अपना प्रेशर कम करना होगा, मतलब क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मोल्स क्या हो, कम हो। ठीक है, तो कम किस डायरेक्शन में है, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, मैं इसे लिख रही हूँ कि इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन
कब तक? टिल इक्विलिब्रियम तक, उसके बाद आके फिर से दोनों का रेट सेम हो जाएगा। सेकंड उल्टा अगर मैं कर दूं, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, सॉरी प्रेशर इज डिक्रीज, तो किस डायरेक्शन में जाएगी? इस वन बैकवर्ड में। अब वो बैकवर्ड में जाएगी क्योंकि अब प्रेशर हमने डिक्रीज किया है, वो प्रेशर बढ़ाना चाहती है, तो वो किस डायरेक्शन में है? वो रिएक्टेंट की साइड ज्यादा मोल्स हैं, इस वजह से वो वहां जाएगी टिल इक्विलिब्रियम में भी। ये वाली चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए था? ये इस वाली रिएक्शन के लिए था जिसका डेल एनजी क्या था? माइनस वन, यानी कि डेल एनजी हमें बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो वाला का। ठीक है, तो अगर हम इसे जैसे पहला केस बना के बोल दें, वेट, जैसे अगर ये पहला केस है, दूसरा केस देखें अगर हम इसी के लिए, इफ डेल एनजी इज ग्रेटर देन जीरो वाली कोई रिएक्शन ले लें। ठीक है, कैसी? हमने ले ली पी सी एल फाइव गैशियस इज गिविंग पी सी एल थ्री गैशियस प्लस सी एल टू गैशियस। ठीक है, इसके लिए डेल एनजी क्या है? वन है, भूले तो नहीं ना, डेल एनजी इज वन। ठीक है, तो इधर वन है, इधर टोटल मोल्स कितने हैं? दो मोल्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ये वही वो इस, तो अब कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। प्रेशर इंक्रीज किया तो कहाँ जाना चाहिए? बैकवर्ड में जाना चाहिए क्योंकि वो उसे अब प्रेशर डिक्रीज करना है। डिक्रीज कहाँ पे होगा? जहाँ मोल्स कम होंगे। मोल्स कहाँ कम है गैस के? इधर। यस मैम, यस मैम। सेकंड, प्रेशर इज डिक्रीज्ड, या ये कह लो वॉल्यूम इंक्रीज्ड, तो अब कहाँ जाएगी बताओ? मैम फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जाएगी, उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कब के लिए? टिल, ये मत भूलना कि टिल इक्विलिब्रियम तक के लिए है सारी चीजें। ठीक है, जो तो इसमें क्या होगा, हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड में जा रही है तो एन पी सी एल थ्री बढ़ रहा होगा, एन सी एल टू बढ़ रहा होगा, yes, ma'am, और एन पी सी एल फाइव डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में भी ऐसा हो रहा होगा, आगे एक्सप्लेन करूंगी वो चीज़ जो भी मैं बता रही हूँ, बस अब इतना देख लो। अगर ये फॉरवर्ड में जा रही होगी रिएक्शन तो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने देखा, अभी मैंने कुछ नहीं बोला इस टाइम पे, मैं भी रुक गई थी। देखो क्या था, बस ये है क्या, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाले मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, प्रोडक्ट वाले और रिएक्टेंट वाले डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, वो हम देखेंगे कब। थर्ड पहले पार्ट देख लेते हैं, प्रेशर इज डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज, तो अब कहाँ जाएगी रिएक्शन? एक सेकेंड, ये हमने कर लिया ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस कीपिंग टी कांस्टेंट। ठीक है, तो केपी पे क्या असर पड़ेगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या असर पड़ेगा? मतलब ये बेसिकली इस वाली चीज के लिए है क्वेश्चन, कि डेल एनजी जब वन होगा, डेल एनजी जब ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब तो केपी पे क्या असर पड़ेगा? क्या मुकुल? केपी विल नॉट चेंज है, फिर से बोलो जोर से थोड़ा। केपी और केसी ओनली डिपेंड ऑन टेंपरेचर, नो इफेक्ट। मुकुल प्लीज थोड़ा लाउडली बोलो। हेलो मुकुल, प्लीज थोड़ा लाउडली बोलो, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। देखो केपी का नो इफेक्ट क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो केपी भी चेंज नहीं होगा। डीओडी का क्या इफेक्ट होगा? डीओडी इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कैसे बता सकते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? प्रेशर इंक्रीजेस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ये वाली रिएक्शन मान लो कि ये वाली रिएक्शन है डेल एनजी ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी? प्रेशर को डिक्रीज करने कहाँ जाएगी? कम मोल्स की तरफ, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड में। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कैसे? देखो अब रिएक्शन एक तरीके से पीछे आ रही है. हम ये सारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना अपना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या फॉरवर्ड से प्रोडक्ट जाने के लिए. यानी कि अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना और मुश्किल हो गया. और कम अमाउंट इस टाइम पे क्या आ रहा होगा, प्रोडक्ट में जा रहा होगा. समझ रहे हो? तो इस वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिएक्टेंट से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए. हाँ, हमें यहाँ पे यही देखना है, हमें यहाँ पे रिएक्टेंट वाला देखना है. ठीक है, हमारे लिए भी रिएक्टेंट यही है, भले फॉरवर्ड रिएक्शन हो बैकवर्ड हो, हम इसी के कंपैरिजन में रिएक्टेंट बोल रहे हैं. क्या रिएक्टेंट के टर्म्स में बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन जारी होती अच्छे तरीके से, फॉरवर्ड की तरफ मूव करती रिएक्शन, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता. यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है बैक प्रोडक्ट्स में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जारी होती. लेकिन अब बैकवर्ड जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट बहुत कम ज़्यादा कम अमाउंट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट उल्टा ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा हमारा. ये हमने फॉर्मूले से भी देखी थी ये चीज. नहीं समझ आ रहा? No ma'am, got it ma'am. आ क्या? Yes ma'am. चलो अब हम जैसे हमने अब देखा थर्ड पार्ट में देखते हैं डेल एनजी इक्वल टू जीरो के लिए. कि जब डेल एनजी क्या है इक्वल टू जीरो, तो इसका कुछ मोल्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए. इसमें एक्चुअली क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन मोल्स, क्योंकि दोनों तरफ हमारे क्या है मोल्स सेम ही है. अगर डेल एनजी जीरो है तो क्यों जाना चाहिए. अगर टू एच आई की बात करें, एच टू गैशियस प्लस आई टू गैशियस. ठीक है, तो इसके दो मोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हैं, दो मोल्स ही हैं. अगर मैं क्या करूँ, प्रेशर इंक्रीज करूँ या फिर वॉल्यूम डिक्रीज, सेम ही बात है. तो इसका क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे, किसी भी किसी का मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूँ तो मैं बोलो. मैम प्लीज रिपीट, वो क्रैक हो गई थी वॉइस. देखो हमने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज किया है. इसके अंदर वॉल्यूम है ना, इफेक्ट पड़ेगा पार्शियल प्रेशर पे. वॉल्यूम डिक्रीज किया बहुत लाग हो रही है, फिर पॉज ही रहती है समझना. एक सेकेंड अभी बताती हूँ. तो देखो ये चीज हम फिर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या किया, डिक्रीज किया. अभी देखो किस प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल प्रेशर की. हम जो इस पिस्टन से जो प्रेशर हम बढ़ाना चाहते हैं, ये तो पूरा मिक्सचर का ही क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा ना पूरे मिक्सचर का. लेकिन मैं तुमसे पूछ कर रही हूँ पार्शियल प्रेशर. HI है, मान लो मैं पार्शियल प्रेशर HI का होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI RT बाय V. यही yes, क्या आता है मेरा आइडियल गैस इक्वेशन वाले फॉर्मूले से. ठीक yes, है, दिक्कत हो रही है? अब मैंने क्या किया, अब देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज, अब वॉल्यूम तो इन सब के लिए कांस्टेंट है ना, भले ही मैं प्रेशर ऑफ एच टू की बात करूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू एन एच टू बाई आर टी बाई वी, या फिर मैं किसकी बात करूँ, एक और क्या है आई टू की बात करूँ, आई टू इज इक्वल टू एन ऑफ आई टू बाई वी. वॉल्यूम तो सबके लिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, भले ही मैंने कम किया तो कम वाला वॉल्यूम सबके लिए सेम रहेगा. ये चीज ठीक है? Yes, ma'am. तो उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इससे. ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अब प्रेशर बढ़ाया है तो यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम की वैल्यू सबके लिए डिक्रीज हो गई, तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू सबकी इंक्रीज हो गई. तो यानी कि पार्शियल प्रेशर पे कैसा इफेक्ट आएगा,
अगर मैं डेल एन जी इज इक्वल टू जीरो की बात करूंगी, कैसा इफेक्ट आएगा पार्शियल प्रेशर पे? इंक्रीज। ठीक है, तो एक पॉइंट इसका मैं कह सकते हैं, तो हमें ये पता चला। अब सेम टाइम पे अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन पे क्या होगा? कंसंट्रेशन में वॉल्यूम की टर्म आती है, कंसंट्रेशन एक्चुअली में यही तो है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स तो सेम है, वॉल्यूम क्या हुई डिक्रीज, कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये इस फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, जब क्या हुआ प्रेशर इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम डिक्रीज किया है, तो तब मोल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या होगा पार्शियल प्रेशर और मेरा कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन में वो पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सारे कंक्लूजन इसके एक साथ लिख लेती हूँ। मोल्स ऑफ एच आई रिमेन कॉन्स्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई क्या होगा बताओ? इंक्रीज। यहाँ पे पढ़ा ना भी पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ एच आई क्या होगा? बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई इंक्रीज। फोर्थ, केपी पे क्या होगा? केपी तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। डीओडी पे क्या असर पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, ये बताओ। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या तुम लोग धीरे बोल रहे हो, मुझे आवाज कम आ रही है। डीओडी पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? मैम मैम बिल्कुल नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए डीओडी पे क्या असर पड़ने लगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे के डेल एन जी इज इक्वल टू जीरो के लिए अपनी केपी और केसी की वैल्यू देखें ना, तो वो भी क्या होती है एक्स स्क्वायर फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो केपी और केसी तो नहीं बदल रहे और इस रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म आ नहीं रही है, मतलब इस एक्सप्रेशन में प्रेशर वॉल्यूम की कोई टर्म तो नहीं आ रही, इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से केपी एंड केसी नहीं बदल रहे तो ये एक्स भी नहीं बदलेगा, तब भी ये कॉन्स्टेंट रह पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इससे भी आ रही है। ये सब किसके लिए है, ये सब हमने पढ़ा जब हमने प्रेशर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज किया, या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो, ये दोनों सेम चीज़ है। इनके लिए क्या है, ये वाले पॉइंट्स जो कंक्लूजन में आए हमारे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो ये जो रिमेन कॉन्स्टेंट वाली चीज़ें तो क्या है, सेम रहेगी। ये वाली चीज़ें पार्शियल प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई भी क्या हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी वो भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम हमारा उस टाइम पे इंक्रीज होगा, तो इस वजह से ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स डिक्रीज हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। तो हम उल्टे के लिए भी लिख लेंगे सारी चीज़ें, और जो कॉन्स्टेंट है वो उस केस में भी कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया या वॉल्यूम इंक्रीज किया, इतना ठीक है। देखो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया है। आज हमने पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा, इस पे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमने देखा, हमने रिएक्टेंट के भी बड़ा और कम करके देख ली, प्रोडक्ट के भी बड़ा और कम करके देख लिया, और ली चैटलिस के अकॉर्डिंग हमने अपने आंसर्स बता दिए कि अब फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी। फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, अब टेम्परेचर क्योंकि इफेक्ट करता है के को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हमने उस पर इफेक्ट देखा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। जब हमने इफेक्ट देख लिया तो इस इफेक्ट के थ्रू हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, टी वन पे के वन और टी टू पे के वन करके, और हमने क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा किसका इफेक्ट, प्रेशर या वॉल्यूम का। अब प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करूंगी, तो दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमने देख लिया। अब इसमें हमने तीन केसेस किए, क्या रिएक्शन में हो सकता है डेल एन जी माइनस डेल एन जी लेस देन जीरो हो, ठीक है, हो सकता है डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर डेल एन जी इक्वल टू जीरो हो, तो हमने तीनों केसेस देखे, तीनों में अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने का या फिर कम करने का। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी। अब हम एक बार एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन लिखो, इनिशियली ओनली
NH4COO, NH2 is taken. After equilibrium, if volume is reduced to half, what will be the effect of effect on pressure of ammonia and CO2 at new equilibrium? ठीक है, तो ये चीज है. अब एट न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम क्या, पहले एक इक्विलिब्रियम था, मतलब पहले हमने सिर्फ ये देखा, फिर आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गई उसके बाद हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, रिड्यूस टू हाफ कर दिया. पिस्टन को नीचे मूव करा, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, रिड्यूस टू हाफ. तो उसके बाद जब रिड्यूस होने के बाद, पहले तो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होगा, फिर वो सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम क्या होगा, फिर से वापस लाने की कोशिश करेगा. जब वो वापस से न्यू इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बेसिकली, तो हमें देखना है कि उसका इफेक्ट क्या रहेगा प्रेशर पे. प्रेशर किसका, अमोनिया और CO2 का. प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड CO2 पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं. ये क्या है, NH4COONH2, ये सॉलिड होता है, ठीक है. टू अमोनिया गैशियस प्लस CO2 गैशियस. इसके लिए डेल एनजी क्या आता है, 3, यानी कि डेल एनजी इज ग्रेटर देन 0, वो वाली चीज है इसमें, ठीक है. तो एट इक्विलिब्रियम टी इज इक्वल टू 0 पे तो जो भी होगा सिर्फ ये पड़ा है, तो ये तो सॉलिड है, हमें इससे मतलब नहीं है. इक्विलिब्रियम पे क्या बना होगा, प्रेशर बना होगा मान लो, क्योंकि इसका 2 और 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये 2p के रेशियो में, p अगर मैं रखूं तो ये 2p और p के रेशियो में बना होगा. और मैं इसका kp लिखना चाहूं तो क्या होगा, 2p का स्क्वायर * p, ठीक है मैम. इसमें डेल एनजी 2 नहीं होगा, एक सेकंड, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, और ये तो सॉलिड है. यस मैम, यस मैम, ठीक है, ये सॉलिड है. तो ये 4p क्यूब हो गया, ठीक है. तो kp क्या आया, kp की वैल्यू आई है 4p क्यूब हमारी. अब उन्होंने बोला कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड CO2. अमोनिया का प्रेशर पहले क्या था, 2p था, ये था CO2, ये था कितना, p, ठीक है. अब मान लो क्या हुआ, हमने क्या किया, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, रिड्यूस टू हाफ कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल. यस मैम, प्रेशर इज इनवर्स, तो प्रेशर डबल हो जाएगा, तो पी टोटल तो डबल हो जाएगा हमारा, ठीक है. लेकिन बात है पार्शियल प्रेशर की. अब देखो पार्शियल प्रेशर पी के टर्म्स में और इसके टर्म्स में है, इसमें कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो है नहीं. इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 बोल सकते हैं सिंपली. अगर मान लो इसका पार्शियल प्रेशर चेंज होता तो मेरी किसकी वैल्यू चेंज हो जाती, केपी की, समझ लो. यस मैम, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, पी की वैल्यू चेंज कर दूं, तो मेरी केपीवी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा नया इक्विलिब्रियम आएगा उस पे भी मेरी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की वैल्यू क्या होगी, 2p ही होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वैल्यू क्या होगी, p ही होगी. कोई चेंज नहीं होगा न्यू इक्विलिब्रियम पे भी, मेरा अमोनिया और CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है सेम रहने वाला है, ठीक है. ये चीज ठीक है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसने वॉल्यूम इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस केस में. क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो ये, इसका फर्क पड़ता मतलब p की वैल्यू चेंज हो गई, p की वैल्यू चेंज हो गई तो kp की वैल्यू चेंज हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो हमें अरे इसके अकॉर्डिंग क्या रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और CO2 पे, ठीक है. अब हम दूसरा एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं. सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, PCl5 है. चलो लिख लो पूरा वरना कंफ्यूज हो गए. इनिशियली वेट, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर 1 एटमोसफेयर ईच. सबका प्रेशर क्या है, 1 एटमोसफेयर है,
if volume of container is reduced to half. What will be the new equilibrium? What will be the effect on partial pressure of each at new equilibrium? तो ये रिएक्शन लिख लेती हूँ, PCl5 गैशियस, PCl3 गैशियस प्लस Cl2 गैशियस, ये रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है इस पर. पहले कितना है इक्विलिब्रियम पे, कितना प्रेशर दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका भी 1 दिया हुआ है, इसका भी 1 दिया हुआ है. अब क्या है, वॉल्यूम इन्होंने क्या रिड्यूस टू हाफ कर दी, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब देखो मान लो क्या हुआ, Kp कैसे लिख सकती हूँ मैं इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है. अब जनरली लीच एटलेस प्रिंसिपल लगा के देखें तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू हाफ, तो पार्शियल प्रेशर पे क्या होगा, यानी कि मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो प्रेशर मेरा इंक्रीज हुआ है. प्रेशर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो मेरी आवाज सबको आ रही है ना, ठीक है, बीच में चला गया था ना, ठीक है. प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो हमारी वो बताओ रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए फॉरवर्ड जानी चाहिए. प्रेशर डिक्रीज करने के लिए किस साइड जाएगी, जहां पे कम मोल्स हो, कम मोल्स किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड, तो कहां जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 क्या होंगे, इंक्रीज. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 क्या होंगे, डिक्रीज. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 क्या होंगे, डिक्रीज, ठीक है. तो सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने वाले तो पार्शियल प्रेशर पर भी सेम ही इफेक्ट पड़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज. पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, डिक्रीज. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो ये इफेक्ट पड़ेगा इस पर, के वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है Kp पे, ठीक है. तो ये चीज, ये न्यूमेरिकल नहीं है, बस ये थोड़ा कंसेप्ट हमने एक चीज ये लिखी थी यहाँ पे मैं वाली चीज लिखवा रही थी, ये सेम रिएक्शन है जो भी हमने करी. और हमने क्या करा, पार्शियल प्रेशर एक बार इंक्रीज किया, एक बार मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, डिक्रीज किया तो यहाँ पे वही इंक्रीज हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी, तो इसकी NCl2 इंक्रीज हो रहा था, NPLC ये इंक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज हो रहा था. तो यही चीज हमने एक बार बस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के देख लिया है, ठीक है. ये वाला पार्ट एक बार फिर से पढ़ के देखना खुद से, अगर कुछ डाउट आए तो पूछना नेक्स्ट क्लास में. Yes, ma'am. अब हमने तीन तरह का इफेक्ट कर लिया, कंसंट्रेशन का कर लिया, टेम्परेचर का कर लिया, प्रेशर का कर लिया. नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वैसे जनरली रिएक्शन में जो भी तुमने पढ़ा है अभी तक कैटलिस्ट को लेके, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है. तो अब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं बेसिकली हम इसका, मैम इनहिबिटर रिएक्शन रेट है. हाँ खुशी बोलो मैम, इनहिबिट भी तो कर सकता है, इनहिबिट रिएक्शन का रेट डिक्रीज. रिएक्शन का रेट क्या कर सकते हैं, डिक्रीज. यस सर, कर सकते हैं, उनको हम पॉइजन वगैरह बोल देते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है. ओके मैम, रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं. रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड, जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेंगे, हमारे क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड ही आएंगे. अब रेट है, अब क्योंकि मैं रिएक्शन कैसे लेके चल रही हूँ, सारे रिवर्सिबल, तो इसमें तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और एक बैकवर्ड रिएक्शन भी है, तो किसका रेट इंक्रीज करेगा ये, फॉरवर्ड रिएक्शन. ये दोनों का रेट इंक्रीज करता है बराबर अमाउंट से. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका भी इंक्रीज करेगा, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का क्या होता है, रेट इंक्रीज करता है. क्या होता है, फॉर बोथ
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो दोनों का इसने क्या किया, रेट इंक्रीज किया है. तो रेट इंक्रीज हुआ है यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है. अगर इसके लिए रेट कांस्टेंट है के एफ, इसके लिए रेट कांस्टेंट है के बी, तो के एफ और के बी की दोनों की वैल्यू इंक्रीज हुई है. पहले इनिशियली अगर के इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर मैं रेट कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना चाहूँ के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ये हमने किया था स्टार्टिंग क्लास में कि के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, के एफ बाय के बी, ये हमने किया था फर्स्ट क्लास में, एक बार देख लेना. तो ठीक है, अब क्या हुआ, के एफ की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, के बी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, कैटलिस्ट डाला है. और वो कितने टाइम्स, दोनों की जो वैल्यू होती है दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है, ठीक है. तो मान लो जो नया के इक्विलिब्रियम आया है कैटलिस्ट डालने के बाद, वो क्या होगा, के एफ, इसको मैंने क्या बोल दिया, एन के एफ एन के बी, क्योंकि जो नया के इक्विलिब्रियम है मतलब जो नया रेट कॉन्स्टेंट है वो दोनों क्या है, के एफ और के बी दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होते हैं. तो अगर के एफ एन टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो के बी भी एन टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है. तो अब ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बचेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट से हुए हैं तो के एफ बाई के बी, तो ये किसके इक्वल है, तो के इक्विलिब्रियम के इक्वल है. तो यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता कैटलिस्ट डालने से, लेकिन क्या चेंजेस होते हैं, रेट कांस्टेंट में क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेट कांस्टेंट तो बदलेगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा बल्कि दोनों के लिए, और कितने अमाउंट से, दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होंगे, तभी हमारा के इक्विलिब्रियम पे क्या आता है, कोई चेंज नहीं आ रहा कैटलिस्ट डालने से, ठीक है. तो क्या बस इफेक्ट कैटलिस्ट से क्या हो रहा है कि हमारी जो रिएक्शन जो भी इक्विलिब्रियम तक पहुँच रही थी अब वो जल्दी पहुँच जा रही है, ठीक है. पहले अगर एक घंटे में पहुँच रही थी तो अब हो सकता है 15 मिनट में पहुँच जाए. तो बस टाइम का कम करने का काम है, और एक्टिवेशन एनर्जी तो कम करते हैं वो सब है. तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर फॉरवर्ड की कम होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन की भी कम होती है, सेम अमाउंट से कम होती है, इसलिए क्या होता है, दोनों के रेट क्या होता है, दोनों के रेट सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाते हैं. तो इसके लिए मैं लिख सकती हूँ नो इफेक्ट ऑन कॉम्पोजिशन पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि के इक्विलिब्रियम कुछ नहीं बदल रहा. नो इफेक्ट ऑन डेलेज वैल्यू, डेलेज वैल्यू भी नहीं बदलती. इस चीज में कोई डाउट कि डेलेज वैल्यू कैसे नहीं बदलती? नो मैम. वो तो ठीक है. और टाइम रिड्यूस्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए टाइम रिड्यूस हो जाता है. देखो अगर जैसे रिएक्शन हो, हाँ बोलो मुझे. डेलेज वाला, हाँ वही बता रही हूँ, ये डेलेज वैल्यू है. तो ठीक है, जैसे अगर ये रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये ईए है, ठीक है, ये तो पता है ना, ये ईए है. डेलेज क्या है, ये वाला डिफरेंस है डेलेज, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर पहले हमारी रिएक्शन कुछ ऐसे जा रही थी, अब कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. तो अब रिएक्शन स्टार्ट तो सेम यहीं से होगी पर वो अब नीचे तक जाएगी, मतलब ये नीचे यहीं से वापस आ जाएगी क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि एनर्जी किसने प्रोवाइड कर दी, कैटलिस्ट ने, ठीक है. तो ये रिएक्शन आ गई. तो डेलेज क्या था, डेलेज तो इसका और इसका डिफरेंस था, वो तो अब भी सेम है ना दोनों के लिए. तो दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए नो इफेक्ट ऑन डेलेज वैल्यू. बस क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है. तो डेलेज वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, इफ कैटलिस्ट के इफेक्ट से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. चलो ठीक है, इतना आगे चलते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मतलब ई पार्ट क्या है, अब किसका इफेक्ट पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे तो इनर्ट हम नोबल गैसेस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनर्ट गैस का मतलब है कि जो हमारी रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्ट ना करे, ना ही रिएक्टेंट से रिएक्ट करे, ना ही हमारी प्रोडक्ट से रिएक्ट करे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं हम, इसका रीजन है क्योंकि हम आगे हम जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखेंगे उससे भी करेंगे, और दोनों में डिफरेंट आती हैं चीज़ें, ठीक है. तो जैसे रिएक्शन मिक्सचर है, पहले हम इस पर पिस्टन लगा रहे थे, तो हम अब पिस्टन नहीं लगाएंगे, इसे फिक्स कर दिया हमने कि अब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. इसमें हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर है. अब इसमें और एक होल करके हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर इनर्ट गैस डाल दी. तो इनर्ट गैस डाली और इसका वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. तो अब देखते हैं अब क्या असर पड़ने वाला है.
तो इनर्ट गैस के बारे में, यहाँ पे इनर्ट गैस क्या है? विच डज नॉट रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. यहाँ पे तो हर रिएक्शन की अपनी इनर्ट गैस एक तरीके से अलग भी हो सकती है. तो अब हमें देखना है कि कंसंट्रेशन में कुछ फर्क आएगा, ये बताओ. देखो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? किसी भी कंपाउंड के मोल्स बाय वॉल्यूम. हमने इनर्ट गैस डाली जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, तो किसी के मोल्स चेंज होंगे क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं करी, कंसंट्रेशन. हम टोटल, अगर मैं किसी का भी कंसंट्रेशन निकाल रही हूँ, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी है, ठीक है? इसके अपने मोल्स हैं, इसके अपने मोल्स हैं, इसके अपने मोल्स हैं, इसके अपने मोल्स हैं, ठीक है? तो वो क्या है? अब जैसे अगर एन ए की बात करूँ, वो चेंज होंगे इनर्ट गैस डालने के बाद? एन ए, एन ए नंबर ऑफ मोल्स, वो बदलेंगे इनर्ट गैस डालने के बाद. इनर्ट गैस के लिए हमने स्पेसिफिकली लिख दिया कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हमारा क्या है, मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है, तो यानी कि फर्दर किसी का किसी में मोल्स में तो चेंज नहीं आ रहा, सब इक्विलिब्रियम पे है, तो ठीक है, सब ऑलरेडी इस इक्विलिब्रियम पे, उनका किसी पे चेंज नहीं आ रहा. अब मैंने क्या इनर्ट गैस डाल दी जो कि रिएक्ट नहीं करने वाली किसी से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा. क्योंकि देखो चेंज कब आता जब ए किसी से रिएक्ट करता. अभी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थे तो वैसे इनके कुछ मोल्स चेंज नहीं हो रहे होंगे. और हमने डाला भी क्या डाला, बस हमने इनर्ट गैस डाली, इनर्ट गैस डाली तो भी अब नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ए तो रिएक्ट कर नहीं रहा है इनर्ट गैस से, तो उसके मोल्स चेंज कैसे होंगे? ना वो इनर्ट गैस से रिएक्ट कर रहा, ना उसका इक्विलिब्रियम की वजह से कुछ चेंज हो रहा. तो एन ए तो चेंज नहीं हो रहा, एन ए तो फिक्स है. वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा. वॉल्यूम तो हमने फिक्स ही कर दिया ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो तो हमने फिक्स ही कर दिया. तो ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो कंसंट्रेशन की बात करूँ तो कांस्टेंट है. कि नहीं समझ आ रहा, दिक्कत है इसमें? नो मैम. पक्का? यस मैम. ठीक है, तो कंसंट्रेशन नहीं बदल रही, टोटल मोल्स ऑफ गैस बदल रहे हैं. टोटल मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, पहले इतने थे, अब हमने इनर्ट गैस डाल दी, प्लस क्या हो गए? देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, पहले इतने थे, अब और क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनर्ट गैस हो गए. तो टोटल मोल्स तो इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि इनर्ट गैस का भी एड हो गया अब. ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. ठीक है, मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट की बात करूं, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. वो चेंज होंगे? नहीं होंगे. अभी तो बताया क्या वो नहीं हो रहे चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, जितने थे और बस हमने इनर्ट गैस डाली, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो नहीं होंगे चेंज. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, वो चेंज होगा? यस, है ना? क्योंकि एन आई बाय क्या हो रहा है, एन टोटल होता है मोल फ्रैक्शन. हमारा एन टोटल चेंज हो रहा है, टोटल मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो रहे हैं, एन टोटल इंक्रीज हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन सबका क्या हो जाएगा? डिक्रीज. कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. नहीं है तो पूछ लो प्लीज. तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट डिक्रीजेस. नेक्स्ट में लिख लेते हैं. पी टोटल की बात करें, पी टोटल क्या हो सकता है? एन टोटल आर टी बाई वी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. तो पी टोटल क्या होगा, इंक्रीज होगा नहीं होगा? एन टोटल इंक्रीज हो रहा है, एन टोटल इंक्रीज हो रहा है ना हमारा, तो पी टोटल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो पी टोटल इंक्रीजेस.
पार्शियल प्रेशर की बात करूं अब, वो क्या होता है एन आई बाई वी आर टी, आई इज फॉर ईच कॉम्पोनेंट बता रही हूँ। पार्शियल प्रेशर पे क्या होगा, चेंज होगा कुछ? इसमें से कोई वैल्यू चेंज हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कॉम्पोनेंट नहीं चेंज हो रहे, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, आर और टी तो है ही फिक्स, तो कुछ तो चेंज नहीं हो रहा, तो पार्शियल प्रेशर चेंज होगा किसी का? नहीं होगा, तो पार्शियल प्रेशर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसे और कैसे देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई पी टोटल, ये भी होता है, यस मैम ये होता है। पी टोटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्स आई क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हाँ खुशु क्या बोल रहे हो, पार्शियल प्रेशर मैम कॉन्स्टेंट इंक्रीज नहीं होगा? हाँ कॉन्स्टेंट, वही बता रही हूँ, देखो कॉन्स्टेंट क्यों है पार्शियल प्रेशर। देखो अगर पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला ये भी है और एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, अगर हम सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन से निकालना चाहें, इससे तो हमें पता चल रहा है, अभी अभी हमने कंक्लूजन देखा पीछे, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स आपके कॉन्स्टेंट है, एन ए एन बी एन सी एन डी नहीं चेंज हो रहे, वो तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे एन आई की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होगी जो पहले इक्विलिब्रियम थे, और इनर्ट गैस डालने के बाद भी एन आई तो सेम है, ठीक है, वॉल्यूम हमने कॉन्स्टेंट रखा ही हुआ है, आर टी कॉन्स्टेंट है, तो पी है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट आ ही रहा है। इस फॉर्मूले से देखें तो पी टोटल हमारा क्या हो रहा था, अभी हमने देखा था क्या इंक्रीज हो रहा है, और एक्स आई मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, ऑफ ईच कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, तो तब भी कॉन्स्टेंट हो गया, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है खुशबू? ठीक है, तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, हमारे टोटल मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी कंसनट्रेशन कॉन्स्टेंट, कंसनट्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, कंसनट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, टोटल मोल्स गैस के इंक्रीज हो जाएंगे, टोटल मोल्स इंक्रीज होंगे, मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, हाँ वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि इनर्ट गैस डाला है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, तो वैसे ही वो खुद में चेंज नहीं हो रही कॉम्पोजिशन, इक्विलिब्रियम पे कुछ किसी का कुछ चेंज नहीं होता और इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट कर नहीं रही, तो मोल्स ऑफ ईच कॉम्पोनेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट। मोल फ्रैक्शन की बात करें, एन टोटल इंक्रीज हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो पी टोटल, मोल फ्रैक्शन चलो डिक्रीज हो रहा है, पी टोटल क्या फॉर्मूला होता है, एन टोटल बाई वी आर टी, एन टोटल इंक्रीज हो रहा है तो पी टोटल भी इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन अब यहाँ पे हमने देखा। अब पार्शियल प्रेशर की बात करें ईच कॉम्पोनेंट की, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि ना हमारा उनका मोल चेंज हो रहा किसी भी रिएक्टेंट का, ना ही उनकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और R और T तो कांस्टेंट है ही, तो इस वजह से सबका पार्शियल प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट भी सेम है क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, N बाई वी, तो अगर मान लो मैं Na की बात कर रही हूँ तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है बिफोर इक्विलिब्रियम और आफ्टर एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर इनर्ट गैस के बाद भी Na सेम है और वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस वाली चीज़ समझ आई, इसमें किसी भी पॉइंट पर डाउट हो तो पूछो। मैम नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ, हाँ बोलो। बोलो कुछ कुछ बोल रहे थे मैम, जैसे ये इसी में है जैसे मोल फ्रैक्शन तो हमारा डिक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो मतलब इस बात को थोड़ा एक बार और रिपीट करती से। सेकंड, एक तो नहीं ये x नहीं है, ये n है, अगर ये x जैसा लग रहा हो n, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, n by n टोटल, ठीक है, इसमें क्या कंपोनेंट आ रहा है, मोल फ्रैक्शन में n टोटल को कंपोनेंट आ रहा है जो हमारा चेंज हो रहा है, n टोटल चेंज हो रहा है तो उस वजह से मेरा मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं उसमें मेरा क्या टर्म्स आ रही है, एन बाई बी, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रही हूं मैं तो ये एन ए बाई बी बोल सकती हूं उसे, तो एन ए कॉन्स्टेंट है, एन ए नहीं चेंज हुआ इनर्ट गैस डालने के बाद, वॉल्यूम मैंने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई,
कांस्टेंट? यस मैम, यस आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, तो इसमें एक साथ चीज ये लिख लो कि क्या क्या कांस्टेंट है। मोल्स कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है? कंसंट्रेशन। चेंज क्या हो रहा है? एंड टोटल चेंज हो रहा है। एंड टोटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टी टोटल क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्या मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है बेसिकली इनर्ट गैस वाले इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, वो क्या होगा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है? कांस्टेंट वॉल्यूम किया, वो हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीज कर लेना, आई गेस अगर किसी चीज में डाउट होगा तो हो सकता है क्या इस पार्ट में हो, इस पार्ट को एक बार देखना अगर, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो गई थी, अगर कुछ डाउट तो पूछ लेना, बाकी और रिवाइज कर लेना इस पार्ट को प्लीज, क्योंकि पार्ट इजी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, है इजी। एक बार बस क्या है, एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है तुम्हारे इस चीज पे, एक बार पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना प्लीज, इसको मत छोड़ना, लीच एटलेस वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। ठीक है, तो यू कैन लीव दिस क्लास नाउ, मैं ये पीडीएफ सेव कर देती हूँ। थैंक यू।